Now, pay attention. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of the first p plus q terms is 0. P is not equal to q. देखो इसमें क्या होता है, p और q जो है दोनों सेम नहीं है. ओके, और ये भी बता कि हम लोग हमें क्या शो करना है, p plus q is equal to 0. देखो क्या होता है, if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, first p terms and first q terms, इसका जो सम है दोनों का सम क्या है, सेम है. ओके, then show that the sum of the first p plus q, दोनों को दोनों जो सम है दोनों सम को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 0. देखो एक तो ये बताया है कि दोनों टर्म क्या है, सेम है. ओके, सम ऑफ द फर्स्ट मतलब इसका सम दोनों का सम सेम है, लेकिन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए. हाँ, क्या बताया कि उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. और p इज नॉट इक्वल टू q, दोनों सेम नहीं है. जैसे होता ना 5 है दोनों साइड में, तो 5 यहाँ पे माइनस हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है. देखते हैं क्या है. फॉर एन AP लेट a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिस्टेंस. ध्यान दो पूरी तरह से. नाउ sp इज इक्वल टू sq इज गिवन. हम लोग को बताया है कि सम ऑफ p एंड सम ऑफ q इज इक्वल टू, दोनों क्या है, सेम है. sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 p 2a plus n 1 into d. एज अ फॉर्मूला sp इज इक्वल टू sum of p इज इक्वल टू p अपॉन 2 2a plus, या p ये मत लिखो, p upon 2 2a plus p minus 1 into d is equal to p upon 2 2a plus q minus 1 into d. क्या किया है, sn का फॉर्मूला sp और sq में लगाया और n की जगह पे हम लोगों ने p और q लिखा है और कुछ नहीं किया, राइट. ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 को हम लोगों ने हटा दिया, वैसे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, 2 हट गए. अब बचा क्या, p into 2a plus p minus 1 into d is equal to q into 2a plus q minus 1 into d. अब देखो इसमें ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो ही टर्म है और इसमें एक टर्म और ये दो टर्म है, राइट. p को 2a से मल्टीप्लाई तो क्या आया, 2ap, उसके बाद p को हमने p minus 1 into d से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर भी वैसे किया है, q into 2a 2aq plus q into q minus 1 into d. okay, now see, अब ये जो है इसको हमने यहाँ पे लिया, क्या क्या ये जो टर्म है पूर्णम यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2ap plus p into p minus 1 into d minus 2aq minus q q minus 1 into d is equal to 0. अब ये पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे कौन बचा, कोई नहीं बचा. अब देखो वापस, नाउ 2ap minus 2aq, ओके, नाउ p into p, इसमें देखो इसमें d है, इसमें d है, d को कॉमन लिया, नाउ p into p p square, p one जा p, q into q q square, q one जा q, d दोनों को कॉमन लिया यहाँ पे, दोनों में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ले आ उसको. अब देखो 2a कॉमन है तो बचा क्या, p minus q plus p square minus q square कॉलन लिया minus p minus q. अब देखो क्या बचा, p और ये बचा ना, तो minus है, तो यहाँ पे क्या, p minus q. Now, 2a, right? 2a p minus q plus d p minus q p plus q a plus b a minus b a plus b formula minus p minus q is equal to 0, right? Okay. अब देखो बाद में क्या है, 2a into p minus q plus d p plus q minus q minus d p minus q. Okay. अब यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने क्या बताया, हम लोग को p is not equal to q given, मतलब p minus q भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अगर p is not equal to q तो p minus q भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि pi minus pi 0 होता है ना, लेकिन दोनों सेम है तो 0 कैसे आंसर आएगा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा. अब यहाँ पे क्या क्या है, 2a plus d बचा क्या, 2a plus d p plus q minus d, क्या क्या हमने p minus q p minus q p minus q, इसको p minus q से हम लोग डिवाइड किया, यहाँ पे क्या हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे क्या, हमारे पास क्या बचा, 2a plus d p plus q minus d. अब यहाँ पे वापस d जो है d के साथ क्या है,
मल्टीप्लाइड में और यहाँ पे माइनस दिए, तो d अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो p प्लस q माइनस वन हो जाएगा, d बन गया d, राइट। सो 2a प्लस d इनटू p प्लस q माइनस वन इक्वल टू जीरो। वी हैव टू शो सम ऑफ p प्लस q इक्वल टू जीरो। नाउ सम ऑफ p प्लस q इक्वल टू p प्लस q अपॉन टू 2a प्लस p प्लस q माइनस वन इनटू d, राइट। p प्लस q अपॉन टू इनटू जीरो बाय बिकॉज 2a प्लस d p प्लस q माइनस a इज इक्वल टू जीरो प्लस d यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई है, राइट। सो 2a प्लस p प्लस q माइनस वन इनटू d, सो p प्लस q डिवाइड बाय टू इनटू जीरो मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा जीरो। सो p प्लस q इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में? थोड़ा क्रिटिकल है, दो तीन बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके राइट। अब पे अटेंशन, यहाँ पे चेंजेस हुआ है, ज्यादा चेंजेस हुए, बस यहाँ पे मैंने पहले माइनस लिखा था, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्या आएगा प्लस क्यों, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या होता है पी माइनस क्यू, माइनस इंटू पी सी, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, राइट। देखो माइनस पी और क्या बचेगा, यहाँ पे क्यू बचेगा ना, पी सी माइनस क्यू यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या होता है माइनस पी माइनस क्यू क्यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ध्यान दो थोड़ा सा। नेक्स्ट 13 सम इज सेम ऐसे ही है, इफ m टाइम द mth टर्म, क्या होगा m टाइम nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ap इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, दे शो दैट द m प्लस n टर्म ऑफ द ap इज जीरो। क्या होता है एम प्लस एन टर्म ऑफ ए पी इज जीरो। नाउ सी लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ओके नाउ एम टर्म ऑफ एम टाइम्स टी एम इज इक्वल टू एन टाइम्स टी एन इज गिवन, ये दोनों क्या है सेम है। सो m a plus m minus 1 into d tn is equal to a plus n minus 1 into d, उसके हिसाब से a plus m minus 1 into d is equal to n a plus n minus 1 into d, right। now a into m a m plus m into m minus 1 into d is equal to a into n a n plus n n minus 1 into d। Now see, a m as it is plus m into m, m square and d cube, d जो है, d m के साथ multiplied है, d जो है, d m के साथ multiplied है ना, तो m d हुआ, so m into m d, m square d, वैसे d यहाँ पर भी multiplied है, तो m into d minus m d is equal to, बस m के जगह पे यहाँ पे क्या n आया, a n plus n square d minus n d, अब ये पूरी family यहाँ पे आ गई। a m plus m square d minus m d minus a n minus n square d plus n d is equal to 0, जैसे हमने 12 से भी किया था वैसे यहाँ पर भी। now a m plus a n plus m square d minus n square d minus m d plus n d like करते उन्होंने साथ में लिए is equal to 0। now यहाँ से a common लिया तो bracket में क्या बचा m minus n, इसमें से d common लिया, सॉरी इसमें से d कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है, d कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा m माइनस n इज इक्वल टू जीरो। am I right? थैंक यू। a माइनस n प्लस d m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके सो m माइनस n इनटू m प्लस n माइनस d m माइनस n, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे देखो वापस m minus n तीनों में कॉमन लिया, m n से बचा क्या a plus d m minus n plus n minus d, क्या बचा देखो इसमें हम लोग में m minus n
एन माइनस एन, एन माइनस एन को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया, राइट। तो बचा क्या, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी, ये बचा। आगे एम माइनस ए प्लस, इसमें डी कॉमन लिया, इसमें डी कॉमन लिया तो बचा क्या, एम प्लस एन माइनस वन। डी अगर अंदर लिया तो डी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो और ए प्लस बी एम प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, लेकिन टी एम एंड टी एन आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों सेम है, दोनों क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। therefore m is not equal to n and therefore m minus n is not equal to 0, therefore a plus b m plus n minus 1 is equal to 0। agar n plus m minus n 0 nahi hai to bacha kya, phir a plus d m plus n minus 1 is equal to 0। dekho yahan pe kya hoga, m minus 1 is equal to m minus n is equal to 0 aur a plus d m plus n minus 1 is equal to 0, okay? factor in के हिसाब से उन्होंने वापस किया। now tm and tn are different terms, क्या मतलब, इसमें दोनों different terms है, मतलब m और n दोनों same नहीं है। अगर ये दोनों same नहीं है तो m plus n 0 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों same होंगे तो ही subtraction करने पर 0 आ सकते हैं, वरना नहीं। तो फिर बचा क्या, a plus d m plus n minus 1 is equal to 0। Now, अगर t m plus n निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, a plus m plus n minus 1 into d, ऐसे आएगा ना, right? Because m plus n is a term, के number है, so t n है ना ये, तो t n हम लोग कैसे निकालते हैं, a plus n minus 1 into d, तो n की जगह पे क्या है, m plus n, so a plus m plus n minus 1 into d, इसकी value क्या है, 0, और वही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे prove करना है। समझ में, ठीक है, राइट डाउन।